आज भाई इसे भी घेर में छोड़ने का टाइम आ गया है कि पैर में चोट लगी हुई थी। अभी ये करीबन 4-5 दिनों से मेरे घर के अंदर है भाई। जब भी इसे भूख या प्यास लगती थी तो ये भाई साउंड निकालता था, जैसे ही मैं इसे पानी रख देता था और इसे खाना खिला देता था उसके बाद भाई ये शांति से बैठ जाता था। और ये भाई मेल है और मैं आपको इनमें थोड़ी सी पहचान बताता हूँ। जब भी किसी बच्चे की भाई पूंछ निकल आती है उसका मतलब ये है कि भाई वो मुर्गी है। बट जब पूंछ थोड़ी सी लेट निकलती है, जैसे भाई इसकी अभी पूंछ नहीं निकली है, ये भाई मुर्गा है और कन्फर्म मुर्गा है। इसे आज भाई छोड़ना है इसकी फैमिली के पास। काफी टाइम हो गया है भाई ये अपनी फैमिली से दूर है, बस इसे पहचान ले सारे। कहीं भाई ऐसा ना हो नया समझ के इसे मारने लगे। अगर भाई मारेंगे तो फिर अलग शिफ्ट करना पड़ेगा फिर से। अभी पहले इसे खा लेने देते हैं, पानी पिला देते हैं, फिर उसके बाद लेके चलते हैं इसे घेर में। और इससे भाई मैं ठंडा ठंडा पानी डालता हूँ जब से ये मेरे घर पे है। और अभी देखना भाई ये कितने ज्यादा मन से पिएगा इसे। इससे भाई फ्रिज का पानी बहुत अच्छा लगता है। अब इससे भाई इसकी माँ के पास छोड़ के देखता हूँ, कहीं ये 4-5 दिनों में भाई भूल तो नहीं गई इसे। मेरे ख्याल से भाई नहीं भूली है। अभी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये चीज पास आ जाइए इसके, वरना पता चले भाई मैं यहाँ से चला जाऊँ फिर ये मारे। भाई बहुत ज्यादा गौर से देख तो रही है उसे, पास भी आ रही है। अभी पता चलेगा, थोड़ा सा पास आने दो। आ रही आ रही भाई आ रही, नहीं बोली है भाई, वरना इतने में तो मारती भाई। बट अब ये भाई मुझे पहचान गया है, ये भाई अपनी माँ के साथ नहीं जा रहा है, मेरे पास आ रहा है। कोई भी जानवर हो या पक्षी हो भाई, अगर उससे आप प्यार करेंगे ना तो उसके साथ आपका एक बॉन्ड बन जाता है। पहले ये मुझसे बहुत ज्यादा डरता था, अब देखो भाई ये मेरे पास ही आ रहा है चुंगते चुंगते अपनी माँ को छोड़ के। और कल भाई मैंने ये कबूतरों का भी घर बनवा दिया है, ये मैंने सामने इनके लिए यहाँ पे भाई बैठने की जगह निकलवाई है। जब भी ये फ्लाई करेंगे, फ्लाई करके आएंगे तो सीधा भाई इसके ऊपर बैठेंगे और फिर सीधा अंदर घुस जाएंगे। कल मैंने इन सभी को इसके अंदर रख के चेक भी कर लिया है, इसके अंदर ये खुश भी लग रहे थे। मैं एक एक करके रखता हूँ इसके अंदर। चलो मैं से इस वाले कबूतर के पंख खुल गए हैं और इसकी भाई टिपिंग अपने आप ही छूट गई है। ये भाई बहुत अच्छी फ्लाई भी करता है, बाकी इनके तो पंख बंधे हुए हैं। और मैं इसे भाई बाहर निकाल रहा हूँ रिस्क पे, क्योंकि ये यहाँ से उड़ भी सकता है। तो मैं एक बार इसे छोड़ता हूँ। देखो भाई ये भाई फ्लाई करने लगा है और मैंने भाई इसे फिर से पकड़ लिया है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई। कली ऊपर से इंतजार कर रही है, वो देखो। अरे मैं गलती से भी ऊपर चला गया ना तो कली भाई पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। तो इसे भाई अंदर ही रख देते हैं क्योंकि इसकी भाई टिपिंग छूट गई है। और अभी यहाँ पर तो नहीं खुला छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऊपर गया और भाई कली ने पकड़ लिया। चलो जाओ अंदर बैठो। मैं सोच रहा हूँ भाई इसे यहाँ पे लगाऊं या भाई नए वाले घर में लगाऊं। अब नए वाले घर में भाई दिक्कत क्या है, अभी बारिश होगी ना इसके ऊपर तो भाई ये बारिश से खराब हो जाएगा और धूप में भी भाई खराब हो जाएगा, और धूप में कबूतरों को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर लग जाए तो फिर इन पेड़ों पे बैठ सकते हैं वो। बट भाई घर से ज्यादा बढ़िया सीन लगेगा क्योंकि घर से भाई ज्यादा बढ़िया खुला मैदान मिलेगा। पहले डिसाइड कर लेते हैं ये चीज कि भाई इसे लगाना कहाँ पे है, तब तक भाई इसे रख देता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे भाई मैंने गेट भी नहीं लगवाए बंद करने के लिए, उनका सेटअप इस हिसाब से बनाना चाहता हूँ कि भाई वो अपनी मर्जी से निकले, अपनी मर्जी से अंदर जाए, दाने वाने मैं डालता रहूं, बाकी भाई बंद करने का और खोलने का सिस्टम ना रहे। उस हिसाब से उनका हिसाब किताब बनाना चाहता हूँ और भाई उस हिसाब से उन्हें ढालना चाहता हूँ। अभी देखते हैं, 2-3 दिन और देखते हैं। बाकी इसे एक बार रख देता हूँ सुरक्षित जगह पर ताकि भाई ये सुरक्षित बनी रहे। लो भाई यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन सभी ने अंडे यहीं पे दिए हैं। इन्हें भी भाई कलेक्ट करके घर पे ले चलता हूँ, ये फोड़ सकती हैं वरना बिल्ली आएगी वो फोड़ देगी। और आज भाई जैसी बारिश बंद हुई बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और अब पता नहीं भाई कब होगी बारिश, भाई फिर गर्मी परेशान करेगी। ओए भाई ये भी बैठ गया भाई, इसके भाई मुझे लग रहा है फिर से कोई तकलीफ है भाई, वो पैर इसका ठीक नहीं हुआ है, तो इसे भी भाई घर ही लेके चलते हैं। अभी से भाई 4-5 दिनों तक और एडमिट रखना पड़ेगा घर पे ही, क्योंकि जब मैं लाया था तब तो ये ठीक था, बढ़िया भाई फिर से गिर गया और अब फिर से नहीं चल पा रहा है पता नहीं क्यों। अभी इसे 2-3 दिनों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। देखो यहाँ आते ही गिर गया, जब लेके गया था तब तो ये थोड़ा ठीक था, मतलब लंगड़ा रहा था बट उतना नहीं, बट घेर में जाके भाई पता नहीं मुर्गी ने पैर रख दिया क्या हुआ, फिर से चोट वैसी होगी इसकी। आज भाई मैं दिखाता हूँ आपको अपने दोस्त की गायों का कलेक्शन। भाई उसके अंदर एक गाय है बिल्कुल श्यामा की माँ जैसी है, और भाई बिल्कुल वैसी श्यामा की माँ थी, मैंने भाई देखी थी ऐसी, मैं थोड़ा सा काम से गया था तो मैंने सोचा आज भाई आपको भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं भाई, दिखाते हैं चल के। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इससे। ओ सॉरी, इसका तो मुझे पता ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसे छोड़ते हैं। अब भाई देखिए ये वाली बछिया, इसकी एज भाई बता रहे थे 1.5 साल की है, और भाई 1.5 साल की ही है अपनी कमो, बट ये मुझे बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी। और उसके बाद देखिए ये काले रंग की गाय, काफी दूध बताया था, 13-14 लीटर दूध की गाय है ये, बट अब इसकी एज हो चुकी है। और उसके बाद आती है ये गाय, ये जो गाय आप देख रहे हैं मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि ये किसकी मिक्स है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि साहिवाल की मिक्स
सेक्स है। और भाई जो श्यामा की माँ थी वो भी सेम ऐसी ही थी, ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर था, ऐसा ही उसका अडर था और इतनी ही बड़ी थी ड्यूल डॉल में। बस इसके सिंग थोड़े से नुकीले हैं, उसके सिंग भाई गोल थे और इससे थोड़े से छोटे थे। उसके बाद देखी मैंने ये काले रंग की गाय, भाई ये गिरकी मिक्स है इतना तो मैं समझ गया। और इसकी भाई हाइट और लेंथ पूरी कम्बो जैसी ही लग रही थी, बस भाई थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, बट भाई इसकी भी एज 3.5 साल की थी। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई डॉग्स के लिए राइस लेने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ आज मैं अकेला ही हूँ, मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। अब देखता हूँ भाई कैसे करके लेके आने हैं। भाई मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि कोई बंदा मिल जाए, और देखो भाई किस तरीके से जुगाड़ बनी है। ये रखी है भाई पीछे बोरी और आराम से टिकी हुई है बुलेट पे। फिर तो भाई ये आराम हो गया, और अभी एक और लेके आनी है, तो पहले इससे रखते हैं फिर उसे लेके आते हैं। ये जो बच्चे मैंने आपको दिखाई थी इसका भाई अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि ये भाई बाहर ही बनती थी आउट में जैसे ये अभी बंधी है, मतलब बहुत टाइम से ये बाहर बनती है। और भाई जो मेरे गांव में सांड घूमता है, अब ऐसा लग रहा है उन्हें कि ऐसा हो सकता है कि उस सांड ने पहले ही क्रॉस कर दिया हो और उसके हिसाब से भाई इसके दिन याद ना हो। बट भाई जो AI कराई थी भाई ने उसके हिसाब से इसके 5 महीने ही हुए हैं। अब भाई पता नहीं डॉक्टर की गलती है या किसकी गलती है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, या भाई ये हीट पे थी या नहीं थी, कैसे की क्या किया कुछ भाई समझ में नहीं आ रहा है। बट भाई यही अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसे पहले ही सांड ने कर दिया है तो इसी वजह से ये इतना अडर कर रही है, ऐसा वो बोल रहे थे। ऐसा भी एक केस हो सकता है, बाकी भाई पता नहीं फिर, क्योंकि मैंने उनसे बोल तो दिया था जितना सारा कुछ लग रहा था, आप लोगों ने बताया था उस हिसाब से मैंने उन्हें सारा कुछ बता दिया था। बट अब वो जो भी करेंगे भाई अपने हिसाब से करेंगे। वैसे तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मली लग रही है, खाती है पीती है आराम से बढ़िया, और बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि एक नॉर्मल गाय और एक हेल्दी गाय करती है। भाई कम्बो के ऊपर आप लोग बताओ कुछ फर्क नजर आ रहा है मिनरल मिक्सचर के बाद? मुझे तो भाई नजर आ रहा है, और कम्बो के ऊपर ही क्या भाई मुझे सभी के ऊपर नजर आ रहा है, क्यों भाई सभी का चल रहा है मिनरल मिक्सचर। अब धीरे धीरे करके भाई ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई है। और देख लो भाई अपनी कम्बो है पूरी 18 महीने की, यानी कि भाई पूरी 1.5 साल की हुई, और जो बच्ची दिखाई थी मैंने आपको वो भी थी भाई 1.5 साल की, मतलब भाई कम्बो की एज की थी। और भाई कम्बो की यहाँ पर देखो हाइट और लेंथ, और भाई वो तो बहुत छोटी लग रही थी, लगभग इसके बराबर लग रही थी। वो जो 3.5 साल की बताई थी वो थी भाई कम्बो जितनी बड़ी, हाइट और लेंथ सारा कुछ ऐसा ही था, बस भाई स्ट्रक्चर अलग था, इसका थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, उसका थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर था।